Hello everyone, welcome back to Chef Aparna Kolarkar's today's special session marking the new year. Today she'll be teaching you something very special, and I think it's going to be a bit remarkable because since it's the end day of 2020, end of the year, and I certainly do believe that she'll be cooking amazing delicacies today. Okay, so without further ado, I would not be disclosing the surprise for you. I would just point out this whole thing to Chef Aparna Kolarkar. There you guys go. Hello, kaise hai aap sab log? Amul ke is saal ke मतलब आखिरी और फाइनल सेशन में आपका स्वागत है. मुझे खुशी है कि नए साल का स्वागत मैं आपके साथ मनाऊंगी. तो कुछ भी टाइम गवाए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ मज़ेदार रेसिपीज़ की. मैंने आपके लिए कुछ प्लेटर किया है, तो फटाफट करते हैं क्योंकि भाई बाद में वेलकम भी करना है नए साल का. तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैंने लिया है, आप देख सकते हैं, ये जो पास्ता है, ठीक है, उसको उसके साथ कुछ ट्विस्ट करते हैं, लेकिन ये पास्ता लेयर्स में जाता है ज़्यादातर. लज़ानिया पास्ता, देखिए ये शीट जो रहती है लेयर्स में जाती है, लेकिन हम लोग कुछ ट्विस्ट देते हैं उसमें, है ना. आज कुछ स्टार्टर ऐसा चाहिए कि क्रंची चाहिए और इजी, मतलब हम लोग वेलकम कर रहे हैं और इजी वे से खा सकते हैं, ऐसा कुछ करेंगे. तो ये लज़ानिया शीट जो है मैंने क्या किया, गर्म पानी में उबालने के लिए रख दिया और अपने आप वो तैर के ऊपर आती है ना, जैसे हमारी दाल ढोकली कैसे ऊपर आती है उस टाइप में. तो ये व्हीट का है, ठीक है, लज़ानिया पास्ता. तो इसको मैंने उबाल के रखा है. भाई ये ज़रा ज़्यादा मोटी हो जाएगी, है ना, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. तो इसके तीन हिस्से कर लेते हैं, अंदाज से लेंगे. देखिए ये मेजरमेंट है ना, इसके लिए कुछ स्केल नहीं लगती. ये मैं काट लेती हूँ, ये किचन का ही है. देखिए ये छोटे छोटे हिस्से कर लिए मैंने ताकि आसानी से इसमें फिल हो जाए. उसके साथ तो इसका थोड़ा सा तड़का देंगे हम लोग. तब तक छोटा सा एक थोड़ी सी सब्जियों के साथ देखिए, अभी ये मैंने पैन रखा है, इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. और भाई अमूल का सेशन है तो बटर तो लगेगा, थोड़ा सा बटर. भाई इटालियन जो पास्ता है हमारा, है ना, तो इसमें बटर भी जाएगा, चीज जाएगा, सब कुछ जाएगा. तो ये थोड़ा सा बटर, ऐसे जब होता है मेल्ट हुआ है तो आप दूसरे स्पून से इसमें डाल दीजिए, राइट. ये बटर इसके साथ गर्म हो रहा है, इसमें क्या जाएगा, थोड़ा सा प्याज. प्याज को थोड़ा सा महीन काट लीजिए, एकदम बारीक, क्योंकि हम लोग रोल करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा. लेकिन देखिए ये थोड़ा सा प्याज, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे. थोड़ा सा गैस की फ्लेम में बढ़ा देती हूँ. ये हमारा प्याज, देखिए लज़ानिया पास्ता में बेस रहता है टमाटर का और बहुत सारे एक्जोटिक वेजेस जो है वो जाती है. आपके पास अगर टमाटर बेस है, प्याज है, अदरक लहसुन है और जो भी सब्जी अवेलेबल है, जैसे ग्रीन कैप्सिकम है तो भी चलेगा, है ना. तो आज मेरे पास ये तीनों बेल पेपर है, ग्रीन, येलो और रेड, ये भी मैंने महीन काट लिए है. ये सब डाल देती हूँ, देखिए कितना कलरफुल. आप चाहो तो ब्रोकली डाल सकते हैं,
झुकिनी डाल सकते हैं, चाहे जो, लेकिन थोड़ा सा ना जो चीज़ें सॉफ्ट हो जाए और मोटी मोटी ना रहे, है ना। देखिए ये कलरफुल कितना अच्छा, ये देख सकते पैन में आप, ये देखिए ये सब्जियाँ, इसके साथ थोड़ा सा अदरक और लहसुन की पेस्ट, ये पेस्ट देखिए, अदरक लहसुन की पेस्ट डायरेक्ट मत डालिए, नहीं तो क्या वो अदरक थोड़ा सा नीचे चिपक जाता है, या तो आप फाइनली क्या कर लीजिए, इसको चॉप कर लीजिए, अगर पेस्ट है तो थोड़ा थोड़ा सा चिपकने का डर रहता है, इसका अगर कच्चापन थोड़ा निकालेंगे हम लोग। उसके साथ ये मैंने पनीर जो है ना उसको क्रम्बल करके थोड़ा तवे पे सेक लिया है, ताकि ये ना थोड़ा सा ऐसे दिखे, थोड़ा सा जैसे बाकी क्यूजिन में, या फिर जो लोग वेज नहीं खाते हैं तो क्रम्बली टेक्सचर में जो नॉन वेज का डाल देते हैं, है ना, तो वैसे थोड़ा सा हम लोग पनीर के साथ करेंगे। देखिए कितना शानदार, मैं हर बार बोलती हूँ कि हाथ से कुछ चीज़ें करते हैं तो पहले हाथ धो लेते हैं, सेफ्टी मेजर हम लोग यूज़ करते ही है। ये पनीर, इसका मॉइस्चर मैंने पहले ही निकाल लिया था थोड़ा सा, अभी और थोड़ा सा निकलेगा, है ना। इसके साथ कुछ उबले हुए आलू, अगर आप थोड़ा सा पनीर का मॉइस्चर कम डालेंगे तो आलू डालने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ उसको थोड़ा सा मैच किया हुआ है, देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है, पनीर है, सब्जियां है ना, बहुत शानदार। मैंने इसलिए किया था ये पनीर थोड़ा सा ड्राई, ताकि ज़्यादा मॉइस्चर हम लोगों को रोल में नहीं चाहिए, क्योंकि रोल कैसा चाहिए हमको, क्रिस्पी करना है, राइट। अभी इसके साथ ये इटालियन सीजनिंग और चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्या क्या लिया है, इटालियन सीजनिंग, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। वाह क्या सुंदर और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस को करते हम लोग धीमा, थोड़ा सिलांत्रो और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ओरिगेनो, और कुछ मेरे पास बेजिल के पत्ते हैं, फ्रेश बेजिल है ना, उसको हाथ से ऐसे ही तोड़ दीजिए, कट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा ही करेंगे आप तो उसका फ्रेशनेस जो है ना, उसका अरोमा ऐसे रहता है, अच्छा रहता है। ये देखिए पीला, लाल, हरा, सफ़ेद सब कलर इसमें आ गए हैं। इसके साथ थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया आपको कि लज़ानिया पास्ता में टमाटर बेस रहता है, तो ये टमाटर केचप और उसमें कुछ टमाटर प्यूरे और उसमें सब हर्ब डाले हुए, ताकि जो फील है हमारा लज़ानिया पास्ता क्रिस्पी वे में खाए, है ना, और ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं आएगा। देखिए कितना शानदार बैंडिंग हो गया है, देखिए ये नज़दीक से देखिए, है ना, ये अभी मैं निकाल लेती हूँ और कुछ ठंडा करके मैंने आपके लिए रखा था, उससे फटाफट हमारे रोल दिखाती हूँ। ये हटा देती हूँ और तेल लाती हूँ। ये देखिए ये तेल मैंने लेके आई हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पास्ता शीट है तो उसको क्या करेंगे, इस पे लेंगे, राइट, चॉपिंग बोर्ड है मेरे पास छोटा सा प्यारा सा, ये लज़ानिया शीट। देखिए आप अगर आपके पास नहीं है तो मतलब आप घर पे भी बना सकते हैं, है ना। ये तो मेरी छोटी सिस्टर यूएसए में रहती तो हर बार मेरे लिए ऐसा ही कुछ भेज देती है, सिबलिंग्स है ना, मन की बात जान लेते कि क्या चाहिए। थैंक यू सोना। तो अगर नहीं है आपके पास ऐसा शीट तो मैंने बताया आपको कि ये मैदे के साथ या तो लज़ानिया शीट वैसे भी मिलती है, तो ऐसे आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है।
अब ये जो हमारा आलू का जो अभी हमने आलू और सब शिमला मिर्च और ये सब का बनाया हुआ मिक्सचर है, इसको लेते हैं और कुछ मोज़रेला चीज़ के कुछ क्यूब मैंने काट लिए पतले पतले, और ये हमारा अमूल का शानदार चीज स्लाइस ये भी मैंने लिया हुआ है, ताकि हम लोग क्या करेंगे इस पे ये ले लेते हैं। देखिए कितना अच्छा, देखिए इस साइड में तो आप ना ये थोड़ा नज़दीक से देखिए, इस साइड में तो आप नज़दीक से ले सकते हैं, लेकिन ये साइड जो है थोड़ा सा खाली रखना। नुपुर जी का क्वेश्चन है कि लज़ानिया शीट को कितने देर तक कुक कर रहे हैं? बस 5-10 मिनट पहले एक पानी गरम करके लेना है, और उसके बाद एक 5 मिनट में जो आपकी शीट थी वो मतलब एकदम नरम हो जाएगी और क्या हो जाएगा वो ऊपर आ जाएगी। थैंक यू नुपुर जी। अभी देखिए ये एक लिया है मैंने, और जो मोज़रेला चीज़ है भाई अमूल है तो हम चीज़ का पूरा मतलब उपयोग करेंगे, पूरा यूज़ करेंगे। देखिए ये जो है इसको थोड़ा सा सिलेंडर जैसे बना लेंगे, और ये जो हमारा मिक्सचर है सब्जियों का है ना, टमाटर बेस वाला, देखिए ये इसको थोड़ा स्लिम कर लीजिए ताकि आपके जो रोल है थोड़े स्लिम बन जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको थोड़ा ड्राई दोनों तरफ से कॉर्नफ्लोर लगा देंगे। देखिए ये थोड़ा सिलेंडर जैसा, और इसको क्या करेंगे अभी यहाँ रखेंगे लज़ानिया शीट के बिल्कुल नज़दीक से, देख लीजिए आप ये इसको इस टाइप में रोल करेंगे। देखिए कितना अच्छा, थोड़ा सा टाइट घुमाते हुए, और यहाँ पे क्या करेंगे मैंने थोड़ी सी ये जो कॉर्नफ्लोर की सिलरी बनाई हुई है स्लरी जो है वो यहाँ पे रख देंगे हम लोग, और इसको क्या करेंगे थोड़ा सा टाइट, देखिए मैं थोड़ा सा पीछे कर रही हूँ, और ये ऐसा चिपका देंगे, शानदार फ्लावर जैसा ये इसका लुक। और आप चाहो तो एक आधी टूथपिक लगा के रखते, लेकिन देखिए कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको अगर पार्टी करनी है या पहले से बना के रखने तो कोई बात नहीं, ऐसे लगा के रख सकते हैं अभी के लिए। ये एक हमारा बन गया, ऐसे ही एक मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये मोज़रेला चीज़, इसका फिर से इसके साथ क्या करेंगे, ये जो हमारा मिक्सचर है लज़ानिया पास्ता के लिए जो बनाया था हमने, टमाटर बेस, बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारा चीज़। देखिए थोड़ा सा स्लिम करेंगे हम लोग इसको, और ये हमारा एक्सिस, अगर ज़्यादा आपको यहाँ से मतलब ज़्यादा बाहर नहीं आने देना है, और इसको फिर से ये जो कॉर्नफ्लोर ड्राई वाला है इसको थोड़ा सा, और एक बात, इसमें ना नमक मत डालिए पहले से, क्योंकि इसमें आलू डाला हुआ है थोड़ा सा है ना, तो थोड़ा सा नमक पानी छोड़ता है, तो अगर करके रखना है तो जैसे ये अगर मिक्सचर करके रखना है तो बहुत ज़्यादा पहले से नमक मत डालिए। ये देखिए रोल, ये नज़दीक से देख सकते हैं आप, देखिए ये देखिए फिर से ऐसा, तो आप मतलब कुछ व्हीट का ही लिया है मैंने, तो किस चीज़ का बन सकता है, होममेड रेसिपी है भाई, तो हमारी जो गृहिणियाँ हैं बहुत होशियार रहती है, और क्या क्या कर सकते हैं थोड़ा बताइए मुझे। ये देखिए ये इस पे चिपक गया, ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसमें टूथपिक लगा दीजिए, बाद में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा साइड से देखिए, ये साइड्स मैंने ओपन ही रखे, कितनी सुंदर, देखिए नज़दीक से थोड़ा फ्लावर जैसा शेप आ गया है, देखिए है ना, तो इसको क्या करेंगे थोड़ा सा ये स्लरी जो मैंने कॉर्नफ्लोर की लगाई है वो यहाँ पे भी लगा देते हैं थोड़ी सी साइड में, ताकि साइड से भी खुला ना रखे, थोड़ा सा दबाना इसको, और फिर जो सूखा कॉर्नफ्लोर है वो भी थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं। गीले स्लरी पे कॉर्नफ्लोर अगर लगाओगे तो नहीं निकलेगा,
और इसको शालू फ्राई या थोड़े से तेल में भी कर सकते हैं। देखिए ये हो गया एक, ऐसे आप बना के रख सकते हैं। इसको थोड़ा दबाना, अगर ये आपका चीज़ का थोड़ा ऊपर आया है, बाहर निकल रहा है, तो थोड़ा सा क्या करना, इसको दबाना थोड़ा सा। किसी के कुछ क्वेश्चंस? ये देखिए ये शानदार इसका, थोड़ा सा दबाना या तो आप डिप भी कर सकते हैं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसको हम क्या करेंगे, धीरे से डालेंगे। आप देखिए मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं लिया हुआ है, राइट, क्योंकि क्या जो बार बार तेल ना यूज़ नहीं करना चाहिए, इसीलिए कम तेल में, और ज़रूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा तेल की। आप थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए, क्या सिजलिंग सिजलर, एकदम सिजलिंग हो रहा है, ये कितना शानदार। देखिए इसको थोड़ा थोड़ा, आप चाहो तो बड़े तेल में भी ले सकते हैं, लेकिन भाई हम बोलते हैं कि तेल बार बार डीप फ्राई किया हुआ नहीं यूज़ करना चाहिए, तो एक साथ तेल बहुत ज़्यादा मत लीजिए, ऐसे ही हो जाएगा। ये धीमी आंच पे हो जाएगा। और ये जो पास्ता है, पास्ता शीट है, लज़ानिया पास्ता शीट, वो थोड़े देर पहले आप बॉईल करके रखिए, ताकि उसका एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, है ना, एक्सेस मॉइस्चर निकल जाएगा, तो तेल में आराम से हो जाएगा। देखिए आप थोड़ा नज़दीक से देख सकते हैं, है ना। अभी इसको थोड़ा सा मैं इस साइड से करूँगी, और इसको इस साइड से, ये हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, कितना शानदार, एकदम ही थोड़ा सा एक साइड से, आप ऐसा मत कर लीजिए, ध्यान से, ये तेल की चीज़ें जो है बहुत ध्यान से करना है। देखिए कितना क्रिस्पी और अच्छा हो गया है, राइट। नए साल की शुरुआत आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद ये मैं थोड़ा हटा देती हूँ और ये निकाल देती हूँ, चॉपिंग बोर्ड पे, और इसको एक साथ ही सजाएंगे। अब ये इसको हटा देती हूँ और क्या करते हैं, देखिए ये हमारी सेकंड वाली डिश अवोकाडो, जो कल काफ़ी मेरे सेशन में कभी कभी आपको हार्ड मिलता है, ये मैं थोड़ा सा सजा के दिखाती हूँ आपको, लेकिन ये थोड़ा सा ये देखिए इसमें ये जो मैंने दो अभी तले थे वो हम लोग ऐसे शॉर्ट ग्लास में देखिए ये रख देते हैं। इसमें नीचे मैंने थोड़ा सा स्पाइसी सॉस रखा है, और स्पाइसी सॉस के साथ ये लज़ानिया क्रंची ट्विस्ट, ये देखिए इसको देखिए, थोड़ा सा इसमें डिप करके ले सकते हैं। अभी फटाफट चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये मैंने लिया है अवोकाडो, देखिए कितना क्रीमी और अच्छा
कई बार क्या होता है, अंदर से थोड़ा सा स्टिक, मतलब ज़्यादा कड़क रहता है, थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं रहता। तो कल मैंने एक दिया था टिप आपको कि अमूल का क्रीम भी डाल सकते हैं, या तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करोगे ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और कलर भी देखिए कितना शानदार, देखिए ये नेचुरल चीज़ें जो है ना, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, डार्क ग्रीन और क्रीमी। इसको क्या करेंगे, ऐसे ही थोड़ा सा दबाओगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। एक टिप ये है कि आप थोड़ा सा, आपको कड़क मिल जाए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा 1 मिनट माइक्रोवेव कर लीजिए, हो जाएगा एकदम सॉफ्ट। देखिए ये इसका जो है, और एक स्टार्टर बनाएंगे। आज प्लेटर है तो मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाएंगे। तो ये ब्रुस्केटा जो है, इसको ये अवकड़ो, उसके बाद थोड़ा सा महीन कटा हुआ प्याज, फटाफट बनने वाली चीज़ है भाई। उसके साथ कुछ सीड निकाले हुए और बारीक कटे हुए टमाटर, देखिए इसको अगर पानी ज़्यादा हो रहा है तो वो निकाल लेना आप, है ना। कई बार हम लोग जूसी इतने सुंदर टमाटर आ रहे। अब इसके साथ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और सीजनिंग, जो इटालियन सीजनिंग है वो, और ये कुछ बेजिल लीव्स और कुछ सिलांत्रो। आपके पास हरा धनिया वो डाल दीजिए, बेजिल नहीं है तो हमारी जो तुलसी है वो बहुत अच्छी रहती है, उसी का ट्राइप रहता है, इसको स्वीट बेजिल बोलते हैं। ठीक है, ये कितना क्रीमी है देख लीजिए, थोड़ा सा एकदम क्रीमी और सुंदर और बहुत हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी। अब हमने क्या करना है, ये कुछ मैंने गार्लिक ब्रेड लिए हुए, ये इसको ना मैंने मतलब अच्छे से सेक लिया है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, बटर लगा के, अगर आपके पास सादी ब्रेड है तो थोड़ा सा गार्लिक रब कर लीजिए उसके ऊपर। और ये मैंने अच्छे से सेक के रखा है, और इसको थोड़ा सा बटर मैं फिर से लगाती हूँ, थोड़ा लगाया है सेकते समय, तो फिर से थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बटर के साथ ही मैंने इसको रोस्ट किया था। आप चाहो तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, 180 पे 5 मिनट में हो जाएगा। अब ये जो मिक्सचर है ये हम लोग इस पे रखेंगे, ये टोस्टी टोस्टी ब्रेड एकदम मस्त करारी, और इसके ऊपर ये फ्रेशनेस वाला पूरा अवोकाडो, फ्रेश जूसी टमाटर और सब इटालियन सीजनिंग, ये इसके ऊपर कुछ फेटा चीज, अमूल का शानदार फेटा चीज, और ये अमूल का शानदार क्या चीज, ये आप चीज जो आपको पसंद है वो ले लीजिए। और मुझे ना लाल कलर बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा टमाटर मैं कलर के लिए, कलर कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा और लगाऊंगी। देखिए अब कुछ बेजिल के पत्ते, वाओ, ये दूसरा, देखिए खाने में इतनी मज़ेदार रहता है ना, जैसे ये ऐसे उठा लिया, और ये क्रंची ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, और इसके साथ ऊपर इतना अच्छा फ्रेश फ्रेश टॉपिंग, और चीज़ अमूल का चीज़ भाई, अमूल है वहाँ का क्या कहने। तो ये ब्रुस्केटा ये मैंने आपके लिए सजा के रखा है, देखिए
ये मैं यहाँ रखती हूँ, ये हमारी दूसरी डिश। और इसके साथ ही हम लोग तीसरी डिश लेते हैं, भाई नए साल का स्वागत करेंगे तो जोरों शोरों से करेंगे, कुछ मीठे के साथ करेंगे। और उसके बाद भी मैंने आपके लिए क्या क्या बना के रखा है वो देखेंगे आप। ये हटा देती हूँ। भाई नई साल की शुरुआत अमृत पी के करेंगे हम लोग। अमृत, हाँ जोग गए ना हम लोग। आज बनाएंगे पीयूष, राइट। पीयूष यानी संस्कृत में इसको बोलते हैं अमृत। और नए साल का स्वागत करेंगे, होपफुली इस बार बनेंगे कि ये साल हमारा सबका बहुत बहुत अच्छा जाए। तो शुरुआत हम अमृत पी के करेंगे, और वो भी मैंने क्यों मतलब किया है वो दिखाती हूँ। ये जो अमूल का हमारा कैमल मिल्क का पाउडर है, बहुत प्रोटीन, बहुत रिच और बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। इसको मैंने दूध में गुनगुने पानी में मिला के रखा है, तो ये पहले से मिला के रखा है क्योंकि हम जो आज डिश बना रहे वो ठंडी है, ठीक है। तो ये कुछ कैमल मिल्क का दूध, कैमल मिल्क जो पाउडर के साथ बना हुआ है, कुछ केसर की स्ट्रिंग्स जो मैंने दूध में भिगा के रखे थे, और कुछ दूध आप कैमल मिल्क के साथ बनाना चाहते सिर्फ तो वो भी करेंगे। भाई एक्स्ट्रा प्रोटीन और क्या क्या फ़ायदे हैं कैमल मिल्क के, बहुत सारे, ठीक है। अब ये जो अमूल का केसर वाला श्रीखंड, बहुत शानदार और बहुत क्रीमी, तो ये श्रीखंड देखिए। अब आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन देखिए आपकी मर्जी। ये देखिए केसर की कुछ स्ट्रिंग रही है, वो अच्छे से लेंगे हम लोग, है ना, केसरी रंग आना चाहिए पूरा। इसको मैं मिक्सी से घुमाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये पीयूष कैसे बनता है। मैंने आपके लिए कुछ, देखिए ये थोड़ा सा घुमा देती हूँ, और कुछ ये सजाने के लिए बादाम या जो भी आपको सजाना है वो। तो ये दोनों तीनों रेसिपी आपको कैसी लग रही है? प्लेटर मैंने आपको प्रॉमिस किया था 25 मिनट में अच्छे से प्लेटर दूंगी। हाँ ये पीयूष जो मिक्सी से घुमा के आया है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना शानदार इसका पूरा ये आया हुआ है। ये थोड़ा सा बादाम, पीयूष यानी सचमुच ये अमृत है ना। कुछ केसर के स्ट्रिंग मैं देखती हूँ कुछ है तो इसमें डाल के रखेंगे। और इतना शानदार ये हमारा पीयूष, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। देखिए ये हमारा ब्रुस्केता, ये अमूल का शानदार श्रीखंड, और ये बर्गर पैटी, और हमने ये बनाया हुआ ब्रुस्केता, और इसके साथ हम लोग ये जो क्रंची ट्विस्ट लजानिया पास्ता का रखा था वो, और इसके साथ ये हमारा पीयूष। भाई प्लेटर जब भी लेते हैं तो स्क्वायर रहना ज़रूरी है प्लेटर, है ना। तो जब भी आप सर्व करो और प्लेटर करके कुछ बोलो तो वो स्क्वायर होना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हम सब याद रखेंगे तो अच्छा रहता है कि हर चीज़ का नॉलेज है ना। तो ये आपको शानदार प्लेटर कैसे लगा वो देखिए। और इसके साथ ये जैसे मैंने डिप हॉट सॉस के साथ ये डिप करके रखे आपके लिए ट्विस्टीज क्रंची। किसी के कुछ क्वेश्चंस? भाई नए साल की शुरुआत आपके साथ कर रही हूँ तो मैं बहुत प्रिविलेज महसूस करती हूँ, और आपको ये नया साल बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, और सब हम लोग सब मिलके हैप्पी न्यू ईयर करेंगे। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और गिनती करिए अभी
मतलब आ रही है वो घड़ी जब नया साल आएगा और नई बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और सबके लिए लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए, कुछ आपको बताना है वो पूछ लीजिए, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा। तो ये नए साल का प्लेटर आपको कैसे लगा है ज़रूर बताना, और थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर।